बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री अपलोड किए हैं, लेकिन उसमें 13 से लेकर 29 तक एमसीक्यूज मिसिंग है और फिर 48 से लेकर 65 तक एमसीक्यूज मिसिंग है। तो वो एमसीक्यूज मैं इस पार्ट से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा अरेंजमेंट कर ले आपस में, ठीक है। तो एक ही एमसीक्यूज मिसिंग है, ये 17 आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो सी वाला ऑप्शन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी। टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2, देन ए की वैल्यू बताए, बी की वैल्यू बताए, सी की वैल्यू बताए। तो डियर, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इक्वेशन ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स यहाँ पे ए 1 है, बी ए एक्स स्क्वायर तो ए 1 है, बी एक्स तो बी की जगह 3 है और सी की जगह 2 उस साइड पे जाएगी, -2 है। तो ऑप्शन है डी वाला, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू -2। पासबा के हम काफिया लफ्ज़ की निशानदही करें, हम काफिया वो होते हैं जो हम आवाज़ होते हैं, तो पासबा दास्तां, ठीक है। तो यहाँ पे दास्तां, ठीक है। आंधों में काना का राजा, काना का राजा का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहाँ पे कमज़ोर लोग हो और आप थोड़ा, आपके पास थोड़ा पावर हो या पैसे हो या थोड़ा काबिल हो, तो आप आंधों में, आप काबिल नहीं है लेकिन उनसे काबिल है, तो इसे कहते हैं आंधों में काना राजा। तो ए वाला ऑप्शन इसके मुताबिक ठीक लग रहा है, अनपढ़ लोगों में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ। खाली जगह को खुदाए सखन भी कहा जाता है, मीर तकी मीर को खुदाए सखन भी कहा जाता है, ठीक है डियर। बाकी एमसीक्यूज डियर, एक और एमसीक्यूज है, आब हयात नरंग ख्याल किस के अफसाने हैं। तो इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखाता हूँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अफसाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शाहिद अहमद दहलवी रिश्ते में मौलवी नज़ीर अहमद की क्या लगते थे, तो उसके ससुराल थे। यहाँ पे तो मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, मैं आपसे इसका भी रेफरेंस शेयर करता हूँ। ऐसा इसम जिसमें किसी काम का होना या ना का, काम का होना या करना ज़माने के ताल्लुक के बग़ैर पाया जाए, ज़माने का ताल्लुक उससे ना हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो डियर देखें, इसमें सौत तो नहीं है, इसमें मौसूल नहीं है, इसमें मौसूल चूँकि जैसे इसको कहते हैं, इसमें सौत आवाज़ के अल्फाज को कहते हैं, इसमें मुश्तक और इसमें मसदर के दरमियान मुकाबला है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मसदर वो होते हैं लिखना पढ़ना खाना पीना, ये मजदर है। मुश्तक किया है, लिखता है लिखेगा। तो देखें इसमें मुश्तक में ज़माने का जिक्र किया गया, लेकिन मजदर में ज़माने के बग़ैर लिखना पढ़ना ये चीज़ों का, इन चीज़ों का जिक्र हुआ, ठीक है। तो इस अभी मैं रेफरेंस दिखाता हूँ चंद एमसीक्यूज़ की जो मैंने आपको बता दिए। तो इसमें मजदर, ठीक है डियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरंग ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इन शायरियों का मजमूआ है, ठीक है डियर। ये वाला भी मिल गया, शाहिद अहमद दहलवी वो डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे, ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे। डियर एक और एमसीक्यूज है, ऑन लॉन्स ए स्मूथ एज शाइनिंग ग्लास। तो डियर जहाँ पे एज या लाइक का जिक्र आ जाए तो उससे सिमिली कहते हैं। आई वुड लाइक सम फिश एंड चिप्स, चूज द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन है। सब्सटेंस फॉर अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज, ये वर्ड तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, सॉरी। 50 नंबर, दे ट्रिक्ड माई ड्राइवर लास्ट नाइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन वर्ड, तो लास्ट नाइट का मतलब कि कब उन्होंने आपके ड्राइवर को, ये पिक्ड है या ट्रिक्ड है, लेकिन मैं आपको मतलब समझाता हूँ। लास्ट नाइट कब उन्होंने आप मेरे ड्राइवर को इस तरह किया, तो कब टाइम का वजाहत करता है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अलावा
एमसीक्यूज़ जो रह गए थे ये बाकी मैंने आपको बाकी पोर्शन में बताए थे। ठीक है, हाँ डियर, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। इन 1906 डिसीशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंड बाई खाली जगह। इन दिस सेशन द प्रपोजल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रेजेंटेड। तो ये था सर सलीमुल्ला खान। डियर नेक्स्ट टाइम सिक्यूज हैं, ये सही नज़र नहीं आ रहे लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ। इन द मिड 19वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के दरमियान में, तकरीबन 1940-1944 की बात हो रही है, अ फेमस पॉलिटिकल थिंकर खाली जगह स्टार्टेड अ मोमेंट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी एमोंग द मुस्लिम विच वॉज कॉल्ड इस्लामिक यूनिटी। तो डियर ये है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। ठीक है, इसका रेफरेंस भी दिखाता हूँ आप लोग। डियर ये देखें, बुट्टा सिंह ओपाल लेटर नोन एज मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड वंस ऑफ इट्स विगोरस लीडर। ठीक है, ये 1872 से लेकर 1944 तक इसकी स्ट्रगल है। ठीक है डियर, डियर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। लॉर्ड मायो इंक्रीज्ड इनकम टैक्स एंड इम्पोज ड्यूटी ऑन फ्रूट्स मेडिसिन साल्ट क्लॉथ्स। इसका मैं रेफरेंस आपको बुक से दिखाता हूँ। डियर यहाँ पे आप देखें, मायो लॉर्ड ही इंक्रीज द साल्ट ड्यूटी एंड इनकम टैक्स इन फोर इकोनॉमी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है डियर, डियर होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि अबाउट 100 एमसीक्यूज़ मैंने आप तक करेक्ट विद रेफरेंस पहुंचा दिए। एट दी एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर दे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।